नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एंड्रॉयड से आईफोन में। तो ये वीडियो आखिरी तक देखें और वीडियो पे बने रहें। इसमें आपका आईफोन जो है वो एक्टिवेशन मोड पे होना चाहिए। इस प्रकार से इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी लैंग्वेज, वाईफाई से जोड़ लीजिए। जो एक्टिवेशन प्रोसेस रहता है वो करना पड़ता है, उसको आप एक्टिवेट करके, ये मैं वाईफाई डाल रहा हूँ मेरा, जब तक अपन एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन है मूव टू iOS, जो अपने को व्हाट्सएप ट्रांसफ़र और डेटाबेस पूरा इसका ट्रांसफ़र करने में मदद करेगी, तो जब तक अपन एंड्रॉयड फ़ोन में ये डाउनलोड कर लेते हैं। मूव टू iOS हो गई डाउनलोड, इसको सब परमिशन दे देते हैं एंड्रॉयड में, जब तक अपना आईफोन एक्टिवेट हो रहा है। ये सब बाद में सेटिंग कर लेंगे, क्रिएट अ पासवर्ड, ये सब बाद की सेटिंग है, ये बाद में आप डाल सकते हैं। इसमें आपको मेन चीज़ है सिलेक्ट करना है आपको मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड, ये मूव फ्रॉम एंड्रॉयड। अब आपको एंड्रॉयड में एप्लीकेशन को सब परमिशन दे देनी है और इसमें आईफोन में कोड जनरेट हुआ होगा वो कोड आपको इसमें एंड्रॉयड डिवाइस में डालना है। ये अपन ने कोड डाल दिया एंड्रॉयड डिवाइस में, अभी दोनों आपस में पेयर हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि आपको क्या क्या डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे को इसमें सब डेटा ट्रांसफ़र करना है, मैंने सब सिलेक्ट कर लिया। मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटो लाइब्रेरी, व्हाट्सएप, मेन चीज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा गेटिंग चैट रेडी, वुड यू लाइक टू मूव इट टू iOS। आपको स्टार्ट कर देना है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी डिपेंड करता है, अगर आपका व्हाट्सएप का ज़्यादा डेटा है तो ज़्यादा समय लगेगा। इसमें मेरा तकरीबन 2 GB का डेटा है तो थोड़ा कम समय लग सकता है। ये चैट सभी भी रेडी कर रहा है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है एप्पल की आईडी फ्री में कैसे बनाए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक, तो वो भी आप लोग देख लेना कि एप्पल की आईडी कैसे बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें पूरा प्रॉपर डिटेल में बताया है। कई बार आप लोग गलती करते हैं तो बन नहीं पाती है पासवर्ड में, उसमें पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके चैटिंग के ऊपर पूरा पूरा। और जब भी आप करें तो पहले चेक कर लें कि जो आपको डेटा नहीं रिक्वायर्ड है वो डिलीट कर लीजिए आप। ये हो गया, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अभी अब थोड़ा समय लगेगा, इसमें भी आपका पूरा डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है, आपकी फ़ोटो लाइब्रेरी कितनी है, उस पर सब चीज़ डिपेंड करती है। अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें टाइम रिमेनिंग भी बताया कि कितनी देर लगती है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूँगा आप लोगों को। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थोड़ा समय लगता है, अभी आ गया इसमें टाइम, 47 मिनट्स रिमेनिंग। ये देखिए ट्रांसफ़र हो गया पूरा। इसमें आपको आपके एप्पल आईडी पासवर्ड डाल देना है आईफोन में, ये मैं मेरी एप्पल आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ।
अब इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन है, तो इसमें एक मैसेज आएगा, ये मैसेज मैं इसमें डाल देता हूँ वेरीफाई करने के लिए। एप्पल में आप जब भी पासवर्ड डालते हैं तो वो ज़रूर पूछता है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है उस पर एक OTP आता है। ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पहले भी आईफोन यूज़ करता था तो मैंने आईफोन का जो पुराना पासवर्ड था वो डाल दिया। अगर आप पहले भी यूज़ करते हैं तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा पासवर्ड, और अगर नहीं यूज़ करते हैं तो वो पूछेगा ही नहीं, डायरेक्टली आगे बढ़ाते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं और आपने नई एप्पल आईडी बनाई है तो उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, सब बाद में अपन सर्विसेज इनेबल कर लेंगे, अभी सब लेटर लेटर। इसको भी अपन डोंट शेयर कंटिन्यू, ये हो गया। ये वो आपकी सब एप्लीकेशंस भी आ गई, ये पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एप्स और डोंट ऐड, ऐड एप्स कर दीजिए तो आपकी जो एप्लीकेशंस एंड्रॉयड फ़ोन में चल रही थी वो इसमें भी आ जाएगी। ये देखिए कॉन्टेक्ट्स पूरे आ गए, ये मेरे पूरे फ़ोटोज़ आ गए, ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, एप्पल आईडी मांग रहा है डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर से, उसको एप्पल आईडी दे देते हैं। ये देखिए ये पूरे फ़ोटोज़ भी आ गए। अब मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो इसमें क्लिक करके व्यू टू स्टोर, इसमें एक बार डाउनलोड पे दबाएंगे और ये वापस से पासवर्ड मांगेगा, कई बार ही मांगता है कई बार ही नहीं मांगता, अभी नहीं मांगा इसने, और ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये हो गया डाउनलोड, अब इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, नंबर आपको वही डालना है जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन में चल रहा था, जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर, ये मैंने मेरा नंबर डाल दिया। अब OTP आएगा, OTP डाल देता हूँ। ये OTP आ गया, ये OTP डाल दिया मैंने, ये हो गया व्हाट्सएप एक्टिवेट। अब ये पूछता है मूव चैट्स फ्रॉम एंड्रॉइड, इसको कर दीजिए स्टार्ट, और सब परमिशन दे दीजिए, जो जो परमिशन मांगता है उसको सब अलाउ कर दीजिए। ये स्टार्ट हो गया, इसमें भी काफ़ी समय लग सकता है अगर आपकी चैटिंग ज़्यादा है, डेटाबेस ज़्यादा है, मीडिया ज़्यादा है तो समय लग सकता है। मेरा एक्चुअली 1-2 GB का ही डेटा है तो उसमें थोड़ा कम टाइम ही लगता है। और ये पूरा रीस्टोर हो गया इसमें। नेक्स्ट, ये आ गया पूरी चैटिंग, ये पूरा व्हाट्सएप आपका ट्रांसफ़र हो गया एंड्रॉयड से आईफोन में, पूरी ये पूरी चैटिंग, ये मैंने एक वो भेजी थी तो ये भी आ गई चैटिंग, पूरी की पूरी ऐसी चैटिंग आ गई।